लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देश प्रदेश शहरों जिलों में हर जगह तीन चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं और चौथे चरण का चुनाव 23 फरवरी लखनऊ में होना बाकी है। आइए राय लेते हैं, अपना मत देंगे, कौन सी सरकार से क्या उम्मीदें हैं और वे मत देंगे तो किस आधार पे देंगे। सर आप बताइए, आप वोट देते हैं? जी बिल्कुल वोट देते हैं। तो सर आपका क्या मुद्दा होगा इस बार, आप किस आधार पे वोट देंगे? शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दों पे दिया जाएगा। सर आपको लगता है कि कौन सी सरकार ज्यादा बेहतर है, भाजपा, सपा, कांग्रेस, किस सरकार ने ज्यादा काम किया? भाजपा जी। यस सर आप बोल रहे हैं क्या? भाजपा जी। भाजपा ने काफी खुश नजर आ रहे हैं भाजपा से, ऐसा क्या काम किया उन्होंने? बहुत अच्छे काम किए और गंगा मुक्त जैसा, दंगा मुक्त, दंगा ही मतलब रोजगार के मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? रोजगार के मामले में तो लोग कह रहे हैं कि भाजपा बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा उन्होंने रोजगार नहीं दिया, बिल्कुल दिया। पांच काम गिना दीजिए बीजेपी का। हाँ जरा हमें काम बता दीजिए बीजेपी के। अच्छा काम। सर आप बताइए, आप बताइए आप किससे सहमत है? आप भाजपा से सहमत नहीं लग रहे? नहीं नहीं बिल्कुल सहमत है, भाजपा बहुत अच्छा है। नहीं नहीं हम आपकी मन की इच्छा जानना चाहते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि आप भाजपा को अच्छा कहें। भाजपा का काम दिख रहा है, जमीन जी बता, जमीन जी सर आप बोलिए, जमीन सपा के घोषणा पत्र में तो काफी चीजें निकाली है, वो कह रहे हैं कि ये सरकार भाजपा से झूठ बोलती है, तो झूठ बोलना सपा झूठ सर। और सर आप बताइए, आप तो काफी यंग लग रहे हैं, आप वोट देते हैं? नहीं। आपने वोट नहीं दिया? सर 18 से ऊपर नहीं है? नहीं। चलिए फिर आपका तो वोट ही नहीं बनता। फिर भी आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी ज्यादा अच्छी है? आप काफी शर्मा रहे हैं। सर आप बताइए, आप किसे बोल रहे? अच्छा सपा ने ऐसा क्या किया? तो कोई मुद्दा तो होगा कि आप सपा की वजह से वोट मुद्दे पर काम नहीं हो रहे थे। हम मुद्दा मतलब क्या, ऐसा काम किया है उन्होंने जिस वजह से आप सपा को वोट? अच्छा काम किया। हमें भी जरा थोड़े काम बता दीजिए। भाजपा का काम कोई नहीं है तो भाजपा के काम तो वो बता रहे हैं, बताइए। अरे बहुत अच्छा काम किया, पर आप तो सपा का बोल रहे हैं तो सपा के काम बताइए। वो तो बता रहे हैं रोड बनवाइए, तो रोड तो नो इस तरह से बनवाए। आप बताइए आप किस आधार पर वोट देंगे? तो सपा को देंगे तो किस आधार पर देंगे, ऐसा क्या और सपा से आपको क्या उम्मीद है? मतलब आपने ऐसा पसंद अपने पसंद तो वजह होती है पसंद करने की, बस हमारे लिए सब ठीक है, मन है उसको देने। मतलब आप समाजवादी हैं? सपा सर ये बिल्कुल सहमत नहीं है आपकी बात से, इनको भाजपा नहीं अच्छी लग रही है। अच्छी मोदी जी अच्छे, मोदी जी अच्छे, उन्होंने अच्छा अच्छा काम किया, हम गलत नहीं कह रहे। सर आप बताइए, आप बहुत अच्छे चश्मे लिए मुस्कुरा रहे हैं, जरा बताइए तो सरकार जिसकी भी बनेगी वो देखा जाएगा भाई, अपने दम तो दो ही में है सपा और कमल। सर आप कमल को देंगे या सपा को? ये तो मैं तय करूंगा ना, जिसको दूंगा ना, ये थोड़ी ना आपको हम बता सकते हैं। सर ठीक है आप हमें बताइए नहीं, आप किसे देंगे, आप किस आधार पे आप वोट देंगे? इस आधार पे देंगे जो सही सरकार चलाएगी उसी आधार पे। अभी तक आपके हिसाब से आपने दोनों वैसे सरकारें देखी है, आपके हिसाब से अभी तक किसने बेहतर काम किया? अभी तक तो सही काम कर रही है। कौन सी सरकार? अच्छा सर आज कोई मिल जाए तो हम सीधे यही बात, बिल्कुल हम मिल गए हैं, आपकी पूरी भड़ास निकाल दे रहे हैं। और आप साइन ले लीजिए स्टैंप पेपर पे, योगी मोदी ना आए तो जिस थाली में कुत्ता खाएगा उसमें हम खा लेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं बोल पाएंगे हम। नहीं मैम आप तो अभी बहुत बोलने वाली थी। और बोले हमारे जो अखिलेश यादव हैं वो कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं कि भाजपा से बेहतर झूठ कोई नहीं बोल सकता, कुछ नहीं बोलता है। जो जन आदमी जो चल जाता है ना उसके सब पीछे पड़े रहते हैं, ये चला तो है नहीं कुछ, ये कुछ नहीं किया ऐसे जिंदगी में, कुछ नहीं किया, सोने की चम्मच से दूध पिया है, सोने की चम्मच से दूध पिया है। ये क्या जाने सरकार क्या होती है, योगी जी या मोदी जी ने इन्होंने सब बहुत किया है, इन्होंने सड़क बनवाई, गरीबों को खिलाया, राशन पानी दिया, और आप इन लोग से क्या चाहेंगी, पूरा देश ही रक्षा कर रहे हैं आज, कोई सारी बेटियाँ सेफ हैं, औरतें सेफ हैं, इनके राज में अखिलेश के राज में कोई सेफ नहीं है,
चाहे तो औरतें उठा लें, चाहे तो लड़कियां उठा लें, साले बदतमीज लोग हैं ये, इन लोग साले सरकार के लाए गए। अगर एक बार घुस गया तो बदतमीज को तो आना नहीं चाहिए। अखिलेश आ गया तो हम रात बता दिया, फिर बता रहे हैं आ गया तो जिस थाली में कुत्ता खाएगा उसमें हम खाएंगे, पक्का नहीं आएगा ये। अब योगी की सरकार है, योगी आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, और क्या पूछना चाहेंगे आप? मैम सुरक्षा, आपने बोला महिलाओं की बीजेपी में ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सपा वादी बोलते हैं, सपा वाले की नहीं, इन्हीं के टाइम पे सबसे ज्यादा एक कांग्रेस पप्पू है, एक वो बसपा मायावती जो पत्थर लगाए बैठी है, ये अखिलेश है अपना घर भर रहा है। यादव साले गरीब आदमी थे, सब पब्लिक का पैसा लूट लिया इन लोगों ने, सब पब्लिक का पैसा लूट के करोड़ों संपत्ति बना रखे हैं। मोदी ने क्या किया है? कुछ नहीं है उनके पास। योगी ने, बाबा जी हैं, ठीक है, बहुत अच्छे आदमी हैं, सज्जन हैं, दूसरों का मुंह, दूसरों की शक्ल देख के चलते हैं। कुछ जनता तो कुछ भाषण दे रहे थे अखिलेश, ओए ओए, अरे पुलिस वालों, अरे पुलिस वालों, ऐसे बोल रहा है, पुलिस वालों को इज्जत नहीं है। ये वो कहते हैं कि जब ना इनके बच्चे हैं, ना बाल बच्चे हैं, तो इनको जनता का कुछ खौफ नहीं है, जनता की इन्हें चिंता है। इन लाइन में पूछ लो, सब आपको बीजेपी मिलेंगे, एक का दुक्का मिलेगा सपा का। सपा 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 है बिल्कुल। हाँ तुम बताओ सपा क्या है भैया? क्या चीज़? क्या ही सपा है? हमारा सपा के? जैसे आपकी इच्छा है कि हम बीजेपी को देंगे, इनका मन है, पसंद है, इनको मुद्दा नहीं बताया। नहीं, इनको करने दीजिए, एक वोट से कुछ नहीं होना है, हैं? होना है बहुमत से, बहुमत है तो सब कुछ है, बिना बहुमत के कुछ नहीं होना है। एक ये डाल देंगे चले, वो भी चला जाएगा बरसाती कीड़े में, देखिए ये बहुत, ये भी बिल्कुल आपकी तरह बहुत ज्यादा भाजपा प्रिय है। भाजपा पक्का, भाजपा ही आएगी, भाजपा के अलावा कोई आएगा नहीं। 5 साल की बात है, 5 साल ये तो पूरा देश खा जाएगा अखिलेश, पूरा देश खा जाएगा। ये लोग तो बोल रहे हैं कि भाजपा पूरा देश खा गई, बेच के सब कुछ रख दिया, कुछ बचा नहीं। नहीं, क्या खाया उन्होंने बताइए? वो कह रहे हैं कि सब कुछ बिक गया है, मतलब हर चीज प्राइवेट कर दी गई, हर जगह प्राइवेटाइजेशन है। कुछ नहीं, योगी मोदी को तो इतनी इनकी रैली हो रही है, इतनी सब हो रही है, क्यों हो रही है सब? ये सब आगे पीछे दौड़ रहे हैं योगी मोदी के, क्यों दौड़ रहे हैं भाई? आप पीछे खड़े हैं, आप बताइए आप भाग कहाँ रहे हैं? अभी तो देख रहे थे बड़े इंटरेस्ट के साथ। भैया आप बताइए, आप तो युवा हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं? बीजेपी आएगी तो आएगी, बीजेपी आएगी, बस इतना कहना। युवा तो बहुत नाराज चल रहे थे बेरोजगारी की वजह से। हम क्या बताएं, मैं मुझे इतना कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना कहेंगे मोदी योगी हर जगह मोदी योगी है और मोदी योगी रहेंगे। जी हमने विधानसभा चुनाव से रिलेटेड जितना भी है जनता से बात की, उनके मत के बारे में जाना और वो किससे अपना वोट देंगे। लोग बहुत ज़्यादा ही प्रफुल्लित दिख रहे हैं, स्पेशली महिला वर्ग, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो चाहती हैं कि भाजपा है, लेकिन ये उनका खुद का ओपिनियन है, आम जनता का। कोई भाजपा को देना चाहता है, कोई सपा को देना चाहता है, अब ये तो 10 मार्च को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। पूजा मिश्रा, डेली इंसाइडर, लखनऊ। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।